दोस्त, इस दुनिया में ना जाने कितने लोग जो अपने आप से ही बहुत परेशान हैं, अपने गलत कामों से परेशान हैं। ऐसे कई कमेंट्स आए मेरे पास कि मैं एक दिन में 2 से 3 बार ब्रह्मचर्य नष्ट करता हूँ। दोस्त, ब्रह्मचर्य ही जीवन है और ब्रह्मचर्य का नाश ही मृत्यु, ये बात आप हमेशा स्मरण रखें। इस कलयुग में वही लोग निरोगी रह सकता है जो ब्रह्मचर्य का पालन करेगा, और जो ब्रह्मचर्य का नाश करेगा वह कभी निरोगी नहीं रह सकता। कोई कितना ही पतित क्यों ना हो गया हो, अगर वह आगे से गलतियों को ना दोहराए तो निश्चित ही वह महान बन सकता है। जब तक जिंदा हो तुम, सभी मोक्ष प्राप्ति के हकदार हो तुम। आज तक आपने बहुत वीर नाश किया हो भले ही, लेकिन आज से गांठ बांध लो कि मुझे ब्रह्मचर्य का पालन करके स्वयं को एक अच्छा व्यक्ति बनाना है। दोस्तों, जहाँ से हमारा स्वार्थ समाप्त होता है वहीं से हमारी इंसानियत आरंभ होती है। लोग कहते हैं कि आदमी को अमीर होना चाहिए, और गांव के बुजुर्गों का कहना है कि आदमी का जमीर होना चाहिए। चित्र ही नहीं चरित्र भी सुंदर हो, भवन ही नहीं भावना भी सुंदर हो, साधन ही नहीं साधना भी सुंदर हो, दृष्टि ही नहीं दृष्टिकोण भी सुंदर होना चाहिए। और जब ये सब चीज़ें किसी एक इंसान में होती हैं तब वो बनता है एक अच्छा इंसान। दोस्त, ब्रह्मचर्य में ऐसी शक्ति है जो आपको रोगी नहीं होने देती। आखिरकार कब तक जियोगे ये भोग वासना की ज़िंदगी? क्या आपका जन्म ये भोग वासना के लिए हुआ है और कोई लक्ष्य नहीं है आपका? ये कीड़े मकोड़ों की भात जिंदगी कब तक जियोगे? आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है ये आपको अच्छी तरीके से जान लेना चाहिए। आंखें खोल के देखो, जिसने भी अपने शरीर के साथ खिलवाड़ किया है, ब्रह्मचर्य का नाश किया है, मुतेंद्रियों के साथ छेड़छाड़ की है, उसका शरीर कितना कमजोर कितना दुर्बल, मन भी कमजोर दिल भी कमजोर। दोस्त, एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही, अपने ही हाथों से अपने शरीर का बैंड बाजा बजाने से आपको क्या मिलता है? मित्रों, विकारों की गंदी गर्त में गिरने के बाद युवा जीते जी मरने लगता है, फिर उसे दूर दूर तक कोई रास्ता नजर नहीं आता, जैसे मरुस्थल में पानी की एक बूंद भी दूर दूर तक दिखाई नहीं देती। मित्रों, अगर किसी व्यक्ति को बचपन से ही ब्रह्मचर्य की शिक्षा दी जाए तो फिर वो भूल के भी इस दंदल में नहीं आना चाहेगा और उसका भविष्य उज्जवल हो जाएगा। एक बात हमेशा याद रखना, कभी भी आपके अंदर ये घमंड नहीं आना चाहिए कि मैं ब्रह्मचर्य पालन करूँगा तो मुझे गंदे विचार नहीं आएंगे। हमेशा ध्यान रखना, काम उत्तेजना आपको कभी भी आ सकती है क्योंकि आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं और आपके अंदर सीमन तेजी से बढ़ रहा है, और जब सीमन बढ़ेगा तो काम उत्तेजना भी बढ़ेगी। दोस्तों, मन में गंदे विचार आना एक नॉर्मल चीज़ है, सबको आते हैं, लेकिन जब मन में गंदे विचार आएँ तब क्या करना है और क्या नहीं करना है यह सबको नहीं आता। ध्यान से सुने, जब भी आपको काम उत्तेजना आए तो उस समय आपको एकांत में बिल्कुल भी नहीं रहना है, अपने परिवार के साथ रहें या फिर साधु संतों के बीच में चले जाएं। इसका दूसरा उपाय है, जितना ज़्यादा हो सके उतना एक्सरसाइज करें जिससे आप थक जाएं, एनर्जी ना बचे गलत कामों के लिए। तीसरा उपाय है, ब्रह्मचर्य से होने वाली हानियों के बारे में विचार करने लगे। और चौथा उपाय है, मेडिटेशन करने लगे। दोस्तों, आज की इस दुनिया में लगभग 100 में से 70% लोग नाइट फेल की समस्या से परेशान है, जिससे उनका शरीर बिल्कुल कमजोर हो जाता है और शरीर में जान नहीं बचती। इसका मेन कारण ये है कि एक युवा 5 गर्लफ्रेंड लेके घूम रहा है, सुबह शाम तक गंदी गंदी बातें करते हैं, चैटिंग करते हैं, गंदे वीडियोस देखते हैं, फिर रात में नकली सपना आता है और माल असली चला जाता है। और जब ये समस्या ज़्यादा गंभीर हो जाती है तो व्यक्ति का चेहरा मुरझा जाता है, चेहरे की चमक चली जाती है, शरीर में ताकत नहीं रहती है, फिर उन्हें याद आता है कि हमने तो बहुत ब्रह्मचर्य का नाश किया है। मित्रों, ब्रह्मचर्य का पालन सभी युवाओं को करना ही चाहिए, कब तक? जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती, और शादी के बाद भी संयम पूर्वक अपना जीवन बिताएं। बिना ब्रह्मचर्य पालन के आपकी बुद्धि का विकास नहीं हो सकता, बिना ब्रह्मचर्य के आपके शरीर का विकास नहीं हो सकता, बिना ब्रह्मचर्य के आपको मनोबल की प्राप्ति नहीं हो सकती। मित्रों, किसी भी व्यक्ति के अंदर चाहे कितना भी खून क्यों ना हो जाए, लेकिन खून से व्यक्ति बलवान नहीं बन सकता। व्यक्ति बलवान तभी बनता है जब उसके अंदर वीर शक्ति अधिक होती है, और वीर शक्ति को बढ़ाने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत जरूरी है। किसी भी गाड़ी में अगर डीजल टैंक भर के डाल दो तो क्या गाड़ी बलवान हो जाएगी, ताकतवर हो जाएगी? कंपनी ने जितने हॉर्स पावर का इंजन बनाया है उससे अधिक पावर डीजल से आने वाली नहीं है। ये खून हमारे शरीर रूपी गाड़ी का डीजल है। खून से शरीर की एक्टिविटियाँ, प्रोसेस, प्रोग्राम और आपके चरित्र चलते रहेंगे, पर बल खून से नहीं आता,
बल आपके अंदर वीर से ही आएगा और वीर आपके अंदर ब्रह्मचर्य पालन से बढ़ेगा और अच्छी डाइट लेने से बढ़ेगा। इसीलिए आप वीर के महत्व को समझो और फिर इन सभी चीज़ों का सेवन करो जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। फिर देखना आपके अंदर कैसी भयंकर सांड के जैसी ताकत आती है। एक जरूरी बात, अगर आपका पाचन तंत्र ठीक नहीं है तो आपको अपने शरीर का पहले पाचन तंत्र ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि पाचन तंत्र ठीक नहीं है तो आपके शरीर में खाया पिया नहीं लगेगा। तो सबसे पहले अपना पाचन तंत्र ठीक करें। पाचन तंत्र को ठीक कैसे करें तो इस पे मैंने वीडियो बनाया है जिसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब हेल्थी डाइट जो आपको बताऊंगा उसको आप अपनी डाइट में शामिल ज़रूर करें। सुबह आपको नाश्ते के साथ दलिया और बनाना शेक पीना है। दोपहर को खाने से पहले सलाद और फ्रूट्स लेने हैं। दोपहर को चाय छोड़ देनी है। मेरा कहना मानो तो सुबह की चाय भी छोड़ दो। चाय हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती है। चाय की जगह दोपहर को दोबारा बनाना शेक पीना है। शाम को पुशअप और टांगों की दंड लगानी है, उसके बाद दोबारा से बनाना शेक पीना है और खाने के बाद गुड़ जरूर लेना है। मुझे पता है डाइट कुछ ज़्यादा हो गई, बनाना शेक भी कुछ ज़्यादा हो गया, लेकिन जो सच्चाई है वो सच्चाई है दोस्त, और सच्चाई में ही जीना पड़ेगा। और ताकत बढ़ाने के लिए ये भी आते हैं सप्लीमेंट, जैसे गेनर और सप्लीमेंट प्रोटीन वगैरह। इन सब के बारे में कुछ भी समझाना मैं अपना टाइम वेस्ट समझता हूँ। देखो भाई, केला एक ऐसा फल है जो सस्ता और फायदेमंद है। आपको केले का शेक पीना है दिन में 3 बार और डेली 5 से 6 बादाम खाएं। शाम को पानी में भिगो दें और सुबह छिलका उतार कर खा लें। इस डाइट को आप लगातार 30 दिन तक अपनाएं। 30 दिन के बाद आपके शरीर में भयंकर सांड के जैसी ताकत का निर्माण होगा। और मेरे ये 2 नियम जो सबसे ज़रूरी हैं, अगर आप अपनाते हो तो निश्चित रूप से आप ताकतवर बन जाओगे। सबसे पहले धूम्रपान छोड़ दें, दूसरी आप दिनचर्या सही कर लें। तो ये 2 नियम अपनाएं और भयंकर सांड के जैसी ताकत पाएं, और ये दिनचर्या अपनाएं और ये डाइट लें। तो वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं आपसे फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।